ये बंदे यहाँ पर मुझे कतई पैनिक कर देते हैं। देखो पंचतंत्र ये कौन है? हाँ तो 1v4 करने के लिए ना आपको ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। अब चौथे ये यल्ला हबीबी कोडी लोबी माय फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 100K YouTube फैमिली। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी तक हम लोग 100K YouTube फैमिली बन चुके हैं। सो यार थैंक यू सो मच, जितना शुक्रिया करूँ ना आप लोगों का उतना कम है। ये सब आप लोगों की लव एंड सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है, आगे भी ऐसे ही लव एंड सपोर्ट करते रहना। आज की ये स्पेशल Q&A वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ अपने बारे में। अगर आप लोग मुझे 2 साल से जानते हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा, बट जो मेरी न्यू ऑडियंस है तो उनके साथ मैं ये शेयर करना जरूरी समझता हूँ। देखो यार मुझे यहाँ पर आते आते ना 2 साल लग गए, और इन 2 सालों में ना मैंने अपने काम से काम रखा है। ना कभी किसी को हेट दिया, ना कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी की है, ना कभी किसी से प्रमोशन मांगी है, ना कभी किसी से शाउट आउट मांगा है, और ना ही कभी किसी टिकटॉकर या कभी किसी यूट्यूबर के उठाए हैं। ना कभी मैं किसी के कॉमेंट सेक्शन में गया हूँ, ना इनबॉक्स में कि भाई मुझे सपोर्ट करो, मैं सपोर्ट डिजर्व करता हूँ, मुझे शाउट आउट दो। और जहां तक मुझे याद है मैंने कभी भी किसी वीडियो के अंदर RR नहीं किया कि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं सपोर्ट डिजर्व करता हूँ, मुझे सपोर्ट करो। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो यार ये कितना मुश्किल सफ़र था मेरे लिए। बिना इन सब चीज़ों के मैंने यहाँ पर खुद को ग्रो किया है, वो भी इस दौर में जब बाकी कंटेंट क्रिएटर के व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है पबजी मोबाइल के ऊपर। देखो पबजी के ऊपर नाम बनाना पहले के दौर में बहुत ज़्यादा आसान था, पबजी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी एंड व्यूज़ बड़ी आसानी से आ जाते थे। बट आज के दौर में ना यार बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। खैर बातें बहुत है, आते हमारे Q&A के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे जोहेब शाह भाई का, व्हेन यू स्टार्ट यूट्यूब योर फैमिली सपोर्ट यू बाय द वे बिग फैन। तो यार इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो दोनों में है। देखो यार पहले तो मुझे मेरी फैमिली ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, और अगर मेरी जगह कोई और फैमिली होती तो भी सपोर्ट ना करती, बिकॉज पाकिस्तान में गेमिंग को कुछ नहीं समझा जाता। अगर आप एक नॉर्मल घर से हो तो बिल्कुल भी नहीं, अगर एक मम्मी डैडी बच्चे हो तो फिर तो आपको इजाज़त मिल जाती है कि बेटा जो करना है करो, बट हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता। मुझे ना बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी घर वालों से, लेकिन फिर यार मेरी अम्मी ने घर वालों से लड़ के मुझे टाइम लेकर दिया कि यार ये जो करना चाहता है ना इसको करने दो, उसको मत रोको, इसकी अपनी मर्जी है, इसकी अपनी लाइफ है। तो अम्मी का जितना थैंक्स करूं उतना कम है, अम्मी आप हैं तो हम हैं। आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन है हार्दिक गेमिंग की तरफ से, आप फेस कैम प्लस टीम कब स्टार्ट करोगे? बाय द वे कांग्रेट्स फॉर 100K, थैंक यू सो मच फॉर 100K। और यार फेस कैम और लाइव स्ट्रीम का मैंने बोला था 100K होंगे, मैं गेमिंग PC और गेमिंग रूम बना करना स्टार्ट कर दूंगा, बट मुझे नहीं था पता 100K मेरे इतने जल्दी हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता है सेटअप बनने में, तो वेट करना यार, परेशान नहीं होना। आते हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और भाई साहब ये वाला क्वेश्चन ना 90% लोगों ने पूछा है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर है तो उसका नाम क्या है? तो भाई मैं आपको बता दूं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल शदीद सिंगल हूं आपकी तरह। तो अगर यार गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं पबजी को टाइम ना दे पाता, ना ही मैं इतनी वीडियोस अपलोड कर पाता। तो यार सिंगल रहने के भी ना अपने ही फायदे। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, आशिर भाई पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं, शादी का क्या इरादा? तो यार मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, बाकी मेरा जो गाँव है वो एबटाबाद में है, और शादी का इरादा तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, घर वालों की मर्जी है, एंड मुझे लगता है यार 2-4 साल और लग जाएंगे शादी में। ओके तो यार यहाँ पर माहिद खान पूछते हैं कि सुफियान भाई स्कूल में कितनी बार मार पड़ी है? मम्मा के बच्चों बहुत मार पड़ी है बचपन में, इस बात पे नहीं कि यार मैं नालायक था, इस बात पे कि यार मैं ज़्यादा छुट्टियाँ करता था, और जब मैं छुट्टियाँ करके स्कूल जाता था तो भाई पूछते थे क्यों नहीं आए, तो इस बात पे यार बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। अब बहाने तो मैं बनाता था, बट रोज रोज बहाने भी नहीं बनाए जाते हैं ना। अजीज हुसैन भाई कमेंट करते हैं कि आपने कौन से सीजन से पबजी खेलना स्टार्ट की, और उस टाइम आपके पास कौन सी डिवाइस थी? तो यार ये बात मेरा कोई भी सब्सक्राइबर शायद ही जानता हो, बहुत मुश्किल है, बिकॉज यार मैंने पबजी जो स्टार्ट की थी ना वो Season 3 में स्टार्ट की थी, ये बात तो आपको पता होगी। बट मेरे पास उस टाइम जो डिवाइस थी ना वो एमुलेटर थी, जी हाँ PC Core i5 था, एक 1GB ग्राफिक कार्ड था, तो उसके ऊपर मैं खेलता था, काफ़ी ज़्यादा लैग होता था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था। तो यार मेरी डिवाइस जो थी ना एक एमुलेटर थी, Season 3 से लेकर ना Season 11 तक,
और 11 के बाद आपका भाई शिफ्ट हो गया था मोबाइल के ऊपर, तब मेरे पास एक लो एंड डिवाइस था हवावे Y9, उसके बाद आपके भाई ने लिया एक्वास R2 के बाद लिया iPhone XR, और ये जो गेम प्ले आप लोग देख रहे हो ना ये भी iPhone XR का है। एंड इंशाल्लाह अभी गेमिंग सेटअप बन जाए तो आपका भाई एक और न्यू डिवाइस ले लेगा। तो यार कितनी ज्यादा स्ट्रगल थी आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। गब्बर भाई कमेंट करते हैं कि माय क्वेश्चन, आर यू नर्वस व्हेन यू टेकिंग फाइट विद अरेबिक्स? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं नर्वस नहीं होता, मैं तो उल्टा कॉन्फिडेंस होकर फाइट लेता हूँ कि भाई अरबी हैं तो चलो इनके ऊपर क्लच मारेंगे। बाकी यार नर्वस वो लोग होते हैं ना जो लोग KD या फिर रैंक पुश के लिए खेलते हैं, तो आपका भाई तो सिर्फ क्लचेस के लिए खेलता है। मुदस्सिर प्लेयर्स पूछते हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है, फॉलन स्टार आपका रियल नेम क्या है और आप कितने बहन भाई हो? तो यार मेरा रियल नेम सुफियान है और बाकी हम 5 भाई है और एक सिस्टर, टोटल 6। इंट्रो भाई पूछते हैं कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? अगर हुआ है तो उसके साथ सेटिंग हुई या फिर नहीं? देखो यार पहली बात तो ये प्यार का सेटिंग के साथ कोई भी लिंक नहीं होता, और यार वो प्यार ही क्या जो बड़ी आसानी से मिल जाए। बाकी यार आपके भाई को हाँ सच्चा प्यार हुआ और सेटिंग नहीं हुई यार, एक तरफा ही रह गया। मियां अब्दुल सबूर भाई पूछते हैं हु इंस्पायर्ड यू टू नेम दिस चैनल, या फिर इस चैनल का नाम फॉलन स्टार ही क्यों रखा, एनी पर्टिकुलर रीज़न? तो यार इसके पीछे कुछ खास रीज़न नहीं है। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था ना शुरू में मुझे एक नाम चाहिए था, तो मैंने अपने दोस्त से मशवरा लिया, उसने मुझे फॉलन नाम सजेस्ट किया। तो यार फॉलन के आगे ना कुछ और नाम लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज मुझे ना एक मीनिंगफुल नाम चाहिए था। तो मैंने सोचा यार फॉलन का मतलब होता है गिरता हुआ, और यार ये फॉलन जो है ना लव फॉलिंग से लिया गया है, ठीक है, फॉलिंग को शॉर्ट करके फॉलन बनाया गया है, और फॉलिंग के आगे यार मैंने स्टार लगा दिया। मैंने सोचा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना गिरती हुई अच्छी लगती है, तो हाँ सिर्फ स्टार ही गिरते हुए अच्छे लगते हैं, तो आपके भाई ने रख दिया फॉलन स्टार। तो फॉलन स्टार का मतलब होता है टूटा हुआ तारा, आसमान से गिरता हुआ तारा। सो यही है मेरे नाम का मीनिंग भी, काफ़ी लोग मीनिंग भी पूछ रहे थे। शाओ गेमिंग पूछते हैं कि अरबियों पे क्लच वाले कंटेंट का आइडिया कहाँ से आया? तो देखो यार ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब मेरे पास एक लो डिवाइस थी ना तो अरबी मार के चले जाते थे, डिवाइस की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता था। तो जब मेरे पास एक अच्छी डिवाइस आई ना तो मैंने कहा भाई अब इन अरबियों की बजाते हैं थोड़ी सी बैंड। और ये जो 1v4 वाला जो आइडिया है ना, तो यार देखो फुल गेम प्ले कोई भी नहीं देखता आज के दौर में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सिर्फ 1v4 वाला कंटेंट डालूं। इससे यार ये होगा कि ऑडियंस को ना एक नई चीज देखने को मिलेगी, और यार ऐसा ही हुआ कि आप लोगों ने ना 1v4 वाले कंटेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत सारा प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच। शायार भाई पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइम इट टेक टू मेक 1 वीडियो फुल ऑफ क्लचेस? तो यार इसके लिए ना हमें 2 से 3 घंटे लगातार खेलना पड़ता है, और आपको पता है हर गेम में क्लच नहीं होता, कुछ क्लचेस फेल भी हो जाते हैं, और बाकी आपके भाई के ना 5 से 8 क्लचेस होते हैं एक वीडियो में। तो यार 2-3 घंटों में इतने क्लच निकालना भी ना बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से, तो वो भी अरबी लोबी में। ओके, तो यहाँ पर टीजी जैबान ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, नेम, एज और फैमिली रिएक्शन। नेम मेरा सुफियान बता चुका हूँ, और एज जो है मेरी 22 साल है। बाकी फैमिली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार, फर्स्ट इनकम इतनी कुछ थी नहीं, बट उन्होंने कहा ठीक है यार कुछ तो कमा रहा है लड़का है। और बाकी यार मेरा फेवरेट यूट्यूबर जो है ना वो अगर इंडिया में देखा जाए तो वो कैरी मिनाटी है भाई, उसकी लाइव स्ट्रीम जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, शुगल मेले वाली होती है। बाकी बात करें पाकिस्तान की तो भाई काकू की फेसबुक के ऊपर स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है, देखने में मज़ा आता है। और यूट्यूब की बात करें तो वो जेप्लेस की स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। जवाब कॉपी गेमिंग पूछते हैं कि भाई गेमिंग लाइफ स्टोरी कैसी थी लाइफ फुल स्टोरी? तो यार फुल स्टोरी में 10 मिनट लग जाएंगे, अगर आपको फुल मेरी लाइफ स्टोरी चाहिए गेमिंग की तो कॉमेंट कर देना। उसके बाद काफ़ी लोग अर्निंग का पूछ रहे थे कि आपकी यूट्यूब अर्निंग कितनी है, वो क्वेश्चन मैंने इग्नोर इसलिए किया है बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार आपके तकरीबन 1400 कमेंट थे भाई Q&A के ऊपर, तो मैंने कुछ ही कमेंट्स पिक किए हैं, तो जिस किसी का कमेंट मिस हुआ है आई एम रियली सॉरी। अगर आपको Q&A का Part 2 चाहिए तो मैं Part 2 भी बना सकता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।